Hello, assalamu alaikum. Welcome to another anatomy tutorial. In this video, we are going to study the popliteal fossa. Popliteal fossa कहाँ पे होता है? सबसे पहले हम वो देख लेते हैं. Popliteal fossa जो कि है हमारे पास, हमारी जो knee joint है उसके बिल्कुल posterior होता है, मतलब उसकी back side पे. अगर आप अभी अपने knee पे हाथ रखें तो knee से जो पीछे जो जगह है जो कि soft tissue की बनी हुई है, वो बिल्कुल आपको जो कि फ्लैट सरफेस जैसी लगेगी और एक लगेगा कि अंदर से डिप्रेशन जा रहा है. इस डिप्रेशन को हम कहेंगे जी ये पॉपलीटियल फोसा है. अब ये जो पॉपलीटियल फोसा है इसके अंदर से काफ़ी सारे जो के हैं वेस्कुलर स्ट्रक्चर्स, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स क्रॉस कर रहे होते हैं. आर्टरीज और वेंस और नर्व जो के हैं क्रॉस कर रही होती है, जिसकी वजह से इसको हमने बिल्कुल एक अलग तरीके से डिटेल में पढ़ा है और इसको पॉपलीटियल फोसा कहा गया है. ये जो हमारे पास पॉपलीटियल फोसा होता है ये डायमंड स्ट्रक्चर में होता है. डायमंड स्ट्रक्चर मतलब डबल ट्रायंगल, एक ऊपर ट्रायंगल होता है एक नीचे ट्रायंगल होता है, तो इसको बनाते हैं हम एज अ डायमंड स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं. अब ये डायमंड स्ट्रक्चर है इसके हमारे पास कितने होंगे? 4 बॉर्डर्स होंगे. तो अब ये जो 4 बॉर्डर्स हैं और 2 एपिक्स हैं इनकी जगहों पर कौन से मसल्स बने हुए होते हैं वो आज हम पढ़ेंगे. तो हम सबसे पहले अपर ट्रायंगल की बात करते हैं. अपर ट्रायंगल के अंदर जो लेटरल साइड पे होता है वो हमारे पास होता है, लेटरल साइड पे जो के हमारे पास होगा बाइसेप फेमोरिस, और हमारे पास जो के मीडियल साइड पे होगा हमारा सेमी टेंडिनोसिस और सेमी मेम्ब्रिनोसिस. अच्छा, इसको खाली लेटरल और मीडियल नहीं कह सकते हम, ये भी कह सकते हैं सुपीरियर लेटरल सुपीरियर मीडियल. फिर इसके हमारे पास इंफीरियर लेटरल इंफीरियर मीडियल आएगा. वहाँ पर हमारे पास एक ही मसल होता है गैस्ट्रोनियमियस. तो लेटरल साइड पे गैस्ट्रोनियमियस का लेटरल हेड होगा इन्फीरियर लेटरल साइड पे. इन्फीरियर मीडियल साइड पे हमारे पास गैस्ट्रोनियमियस का मीडियल हेड होगा. और यहाँ पे वही सारी चीज़ें लिखी गई हैं जिसके अंदर हमारे पास एंड में बताया जाता है रूफ क्या है. रूफ हमारे पास जो कि फेशियल लैटे होता है जो कि हमारे पास स्पीयर्स होगा हुआ होता है, उसमें सुराख बने हुए होते हैं और जो कि स्मॉल सेफनेस वेन जो कि उसको एंटर करती है और वो पॉपलीटियल वेन के अंदर जो के ड्रेन करती है. और पोस्टीरियर फीमोरल क्यूटेनियस नर्व भी जो के यहाँ पे होती है पियर्स करती है किसको? फेशियल लैटे को. अब बात करते हैं फ्लोर की कि हमारे इस सरफेस का फ्लोर क्या है, इस फोसा का फ्लोर क्या है. फ्लोर जो के हमारे पास ऊपर से नीचे जो हमारे पास डायमंड स्ट्रक्चर होता है ना उसको सुपीरियर से इंफीरियर लेके आएंगे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बताते हुए. तो सबसे ऊपर हमें मिलेगा पॉपलीटियल सरफेस ऑफ द फीमर. फीमर जो के है फीमर बोन हमारी जो है वो मिलेगा, लेकिन उसका कौन सा सरफेस? पॉपलीटियल सरफेस. तो पॉपलीटियल फोसा के पास जो हमारे पास फीमर का सरफेस होगा वो मिलेगा सबसे पहले. फिर इसके बाद हमारे पास नी ज्वाइंट का कैप्सूल शुरू होगा. आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डायग्राम में विजिबली दिखाया गया है, डायग्रामेटिक डायग्राम है. तो पॉपलीटियल सरफेस ऑफ फीमर मिलेगा यहाँ पे, जहाँ ट्रायंगल के सुपीरियर पार्ट में. फिर बीच में हमारे पास जॉइंट कैप्सूल आ जाएगा. फिर इसके बाद बीच में हमारे पास ऑब्लिक पॉपलीटियल लिगेमेंट होगा जो कि हमारे पास इस डायग्राम में नहीं दिखाया हुआ. फिर इसके बाद हमारे पास पॉपलीटियल मसल मिलेगा जो कि हमारे पास अपर पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द टिबिया को कवर कर रहा होता है. तो यहाँ पे हमारे पास देखो जो डायमंड का इंफीरियर जो कि एपेक्स है और थोड़े से बॉर्डर जो है उनके पास हमारे पास एंड में पॉपलीटियल मसल मिल रहा है, पॉपलीटियस मसल मिल रहा है. अब हम पढ़ेंगे कि हमारे पास जो क्या है पॉपलीटियल फोसा के कंटेंट्स क्या क्या होते हैं. हमारे पास पॉपलीटियल फोसा में जो कंटेंट्स होते हैं वो होते हैं कॉमन पेरोनियल नर्व, टिबियल नर्व, पॉपलीटियल वेन, पॉपलीटियल आर्टरी एंड पॉपलीटियल लिम्फ नोड. सब चीज़ें सेम हो गई. पॉपलीटियल लिम्फ नोड हो गए, पॉपलीटियल आर्टरी, पॉपलीटियल वेन, ये हो गया. फिर इसके जो नर्व्स हैं वो हमारे पास दो अलग अलग आती हैं. कॉमन पेरोनियल नर्व भी आ रही होती है, टिबियल नर्व भी आ रही होती है. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर चीज़ जो है डायग्राम से शो की गई है. ये आप अपना लेटरल में देख सकते हैं बाइसेप्स है, सुपीरियर लेटरल में, सुपीरियर मीडियल में सेमी टेंडिनोसिस सेमी मेम्ब्रिनोसिस देखें. फिर उसके बाद हमारे पास नीचे आते हैं तो हमारे पास जो कि उस गैस्ट्रोनियमियस मसल आता है, और इन्फीरियर लेटरल और इन्फीरियर मीडियल में उसका लेटरल और मीडियल हेड आएगा. और यहाँ पे हमारे पास जो कि उसका उसके अंदर कंटेंट है वो हम देखते हैं. पॉपलीटियल वेन नज़र आ रही है, बीच में से क्रॉस कर रही है. फिर इसके बाद हमारे पास जो कि मीडियली आती है आर्टरी आती है, पॉपलीटियल आर्टरी, और लेटरल हमारे पास जो कि नर्व्स आती हैं. लेटरल कौन सी नर्व आती है? टिबियल नर्व आती है. और फिर इसके बाद जो हमारे पास वेन वेन है वो आगे जाके दो में कन्वर्ट हो जाएगी,
एक तो स्मॉल सिफेनस वेन बनाएगी और दूसरी जो कि डीप स्ट्रक्चर्स में जाएगी। और फिर इसके बाद हमारे पास है सूरल कम्युनिकेटिंग नर्व। सूरल नर्व भी हमारे पास इसमें से जो निकल रही हैं, किस में से? टिबियल नर्व में से। कॉमन पेरोनियल नर्व भी जो कि हमारे पास, वो घूम के फिर आगे जाएगी। सूरल कम्युनिकेटिंग नर्व और लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ कॉफ, ये सारी चीज़ें जो कि हमारे पास पॉपलीटल फोसा के अंदर ही बन रही हैं, उसी के अंदर जो कि डिवाइड होके कुछ ना कुछ बनाते हुए निकल रही है। कौन? टिबियल नर्व और कॉमन पेरोनियल नर्व। तो ये जी हो गए हमारे पास कंटेंट ऑफ द पॉपलीटल फोसा। और यहाँ पे हम जो कि इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल इफ़ यू आर न्यू एंड स्टे अपडेटेड। वी कीप कमिंग विद न्यू बोरिंग लेक्चर्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।